आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण पॉइंट महासागरीय परिसंचरण लेकर आए हैं। जी हाँ, महासागरीय परिसंचरण जो कंपटीशन के दृष्टि से एवं ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको सामान्यतः कंपटीशन के छात्र इग्नोर कर देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, लेकिन हमने जब कंपटीशन के कई क्वेश्चन को देखा तो इससे भी अधिक से अधिक क्वेश्चन उसमें था। उसके बाद हमने इस पर स्पेशल वीडियो बनाने का निर्णय लिए जो आज हम देने जा रहे हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले महासागरीय परिसंचरण क्या है इसको समझते हैं। जी हाँ, महासागरीय परिसंचरण, जी इसमें महा परिसंचरण एक शब्द है जो नया बुझाता है। परिसंचरण का अर्थ होता है जल की गति। जी हाँ, महासागर में किसी भी कारण से जब उसके जलीय भाग में या जलीय तल पर गति उत्पन्न होता है तो उसी गति को परिसंचरण कहा जाता है या महासागरीय परिसंचरण कहा जाता है। एक बार मैं संक्षेप में फिर से बोल दूं कि महासागरीय भाग में हलचल या अन्य कारणों से महासागर के जलीय तल पर जो गति उत्पन्न होती है उसी गति को महासागरीय परिसंचरण कहा जाता है। और मैं बता दूं, महासागरीय परिसंचरण से जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं, वो जो कंपटीशन पूछे जाते हैं, वो दो ही इससे पॉइंट से पूछे जाते हैं। एक तो प्रकार से, जी हाँ, महासागरीय परिसंचरण के जो प्रकार है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थोड़ा बहुत कारण से भी, कारण से नहीं के बराबर पूछा जाता है, लेकिन जानकारी के लिए थोड़ा सा इसमें इसके संबंध में जानने की रुचि को बढ़ाने के लिए कारण को जानना जरूरी है। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ कि महासागरीय परिसंचरण अर्थात महासागर के जल जो गतिशील होते हैं उसके क्या कारण है। जी, तो इसके चार प्रमुख कारण है। पहला है हवा का बहना, जी हवा का बहना। दूसरा है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण। जी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि चंद्रमा और सूर्य में गुरुत्वाकर्षण ताकत होती है, शक्ति होती है, जो पृथ्वी के सतह पर जो जल है सागर महासागर में उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, और उससे भी महासागर के जल गति उत्पन्न होती है, महासागर के जल गतिशील रहती है। जी, उसके बाद तीसरा है पृथ्वी की गति। जी, आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी गतिशील है, इसमें दो तरह की गति होती है, एक दैनिक गति होती है, एक वार्षिक गति होती है, इसके कारण से भी महासागर के जल गतिशील रहती है। उसके बाद चौथा है तापमान, लवणता, घनत्व, बर्फ की मात्रा आदि में अंतर। जी, महासागर के जल में जब किसी भाग में तापमान बढ़ता है तो उस ओर से दूसरी ओर अर्थात जहाँ तापमान कम रहता है उस ओर हवा बहने लगती है, और उस ओर जब हवा बहने लगती है तो जल से हवा स्पर्श करती है और तत्पश्चात जल क्या आती है, गति में आ जाती है। इसी तरह से लवणता भी उसे घनत्व बढ़ने से भी, और बर्फ की जो मात्रा होती है उसके घटने बढ़ने से भी जल में गति उत्पन्न होती है। तो ये चार कारण हैं महासागरीय परिसंचरण के, अर्थात महासागरीय जल में गति उत्पन्न होने के, महासागर के जल जो गतिशील होते हैं उसके ये चार कारण हैं। जी, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन समझने के लिए ये जरूरी था इसलिए हमने बता दिए। अब चलते हैं हम लोग प्रकार। जी, इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। तो महासागरीय परिसंचरण के तीन प्रमुख प्रकार है। पहला है महासागरीय तरंग, जी महासागरीय तरंग। दूसरा है महासागरीय ज्वार भाटा, जी ज्वार भाटा तो सुने भी होंगे, महासागर के जल जब ऊपर उठते हैं तो उसको ज्वार, और नीचे गिरते हैं तो भाटा कहलाता है। और तीसरा है महासागरीय धाराएं। जी, मैं बता दूं आप लोग को, आज के वीडियो में हम सिर्फ महासागरीय तरंग पढ़ाने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल रूप से महासागरीय ज्वार भाटा और महासागरीय धारा पढ़ाएंगे। जी, तो आज चलते हैं हम लोग विस्तार पूर्वक किसको जानते हैं, महासागरीय तरंग को। जी, महासागरीय तरंग को, महासागरीय तरंग नाम तो आप लोग खूब सुने होंगे और आज इससे बिल्कुल परिचित भी होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग, हवा के बहने के कारण महासागर के जलीय तली पर
जो गति उत्पन्न होता है, जो हलचल उत्पन्न होता है, उसी को महासागरीय तरंग कहा जाता है। महासागरीय तरंग में ऐसा प्रतीत होता है कि जल आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, और ध्यान देने योग्य बात भी है कि तरंग में जल आगे नहीं बढ़ती है, जल बिल्कुल अपने जगह पर ही ऊपर नीचा होती है। और मैं बता दूं कि कंपटीशन में महासागरीय तरंग से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। और एक छोटा सा डायग्राम से इसमें जितनी भी घटनाएं होती है उसको हम दर्शाने जा रहे हैं। जी तो देखिए, ये इस तरह की होती है। महासागर के तली पर अगर आप कोई पत्थर फेंक दीजिए, कुछ भी छोटा सा वस्तु फेंक दीजिए, तो इस तरह के हलचल या इस तरह के आकृति प्रतीत होती है। और इसी आकृति को आज जानना है, क्योंकि इसी आकृति पर से अधिक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ये तरंग का ऊपर वाला भाग जो होता है, इसको कहा जाता है शीर्ष। जी शीर्ष। और ये जो नीचे वाला भाग है, यहाँ वाला भाग, इसको कहा जाता है गर्त। जी गर्त। तो देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन निकल जाता है घट से कि तरंग के उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है, तो शीर्ष, और धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है, तो गर्त कहा जाता है। अब देखिए, ये जो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये जो तरंग होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये छोटा दूरी होता है, इसको कहा जाता है तरंग के आयाम। जी इसको कहा जाता है तरंग के आयाम, आयाम। जी और देखिए, यहाँ से लेके ये और ये दो जो शीर्ष होते हैं और उसके जो बीच की दूरी होती है, उसको कहा जाता है तरंग दैर्ध्य या तरंग की लंबाई। जी तरंग दैर्ध्य या तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई। जी और तरंग की जो ऊंचाई होता है वो क्या होता है, देखिए ये ऊपर वाला भाग जो होता है, ये हो गया यहां से यहां तक की तरंग की ऊंचाई, तरंग की ऊंचाई। लेकिन ये जो ऊंचाई होता है, इसको दूसरे तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि शीर्ष और गर्त, अर्थात किसी भी तरंग के शीर्ष और गर्त के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तरंग की ऊंचाई कहा जाता है। और एक और इसमें पॉइंट है आपको, वो है तरंग की आवृत्ति। जी तरंग की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति। जी कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है मान लीजिए, या बिंदु है, इस बिंदु से होकर समांतर निश्चित समय अथवा एक सेकेंड में जितनी तरंग गुजरती है उसी की संख्या को क्या कहते हैं, तरंग की आवृत्ति। मान लीजिए यहाँ पर है, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, तो जितनी तरंग गुजरेगी ना उसी की मात्रा को, उसी की संख्या को क्या कहा जाता है, तरंग की आवृत्ति कहा जाता है। तो मैं बता दूं, ये मैंने जितने भी चीज़ बताया इसी पर अधिक से अधिक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो शीर्ष, गर्त, तरंग के आयाम, तरंग की लंबाई या तरंग दैर्ध्य, तरंग की ऊंचाई, तरंग की आवृत्ति। इसको आप परिभाषित भी कर सकते हैं, मैंने अभी भी किया भी एक एक करके परिभाषित, और उसको अगर ध्यान में रख लेंगे तो उसी से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक बार मैं टोटल को एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, फिर से एक बार परिभाषित कर देता हूँ। सबसे पहले शीर्ष, तो तरंग की जो उठे हुए भाग होते हैं उसको शीर्ष कहा जाता है। जी शीर्ष। उसके बाद गर्त, तरंग के जो धसे हुए भाग होते हैं उसको कहा जाता है गर्त। तरंग की लंबाई, तरंग के दो शीर्षों के बीच की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है तरंग की लंबाई। उसके बाद होता है तरंग की ऊंचाई। जी तरंग के गर्त और शीर्ष के बीच के अंतर को तरंग की ऊंचाई कहा जाता है। उसके बाद है तरंग की आयाम, तरंग के आधे भाग को, ये आधे भाग यहाँ से यहाँ तक है, आधे भाग को तरंग का आयाम कहा जाता है। और तरंग की आवृत्ति, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित समय अथवा एक सेकेंड में जितनी तरंग गुजरती है उसे ही तरंग की आवृत्ति कहा जाता है।
तो आज मैंने महासागरीय परिसंचरण क्या है और महासागरीय परिसंचरण के जो प्रकार थे और उसमें से महासागरीय तरंग जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था उसको मैंने समझाने बताने का प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है कि अगर किसी कंपटीशन में इस महासागरीय तरंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आज के वीडियो से बाहर नहीं होना चाहिए। और आज मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगली जानकारी अगले वीडियो में।